नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान आज हूँ नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट और तहसील सुजालपुर करके गांव है। यहाँ पे 70-30 कंसेप्ट पे 5x9 का पौधा आपको देखने के लिए मिलेगा, लाइन से लाइन 5 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी अगर मैं बताऊँ तो 9 फीट झिकझैक, बीच में एक पौधा। आइए, किसान मित्र भी है साथ में, किसान से ही समझते हैं। 5x9 झिकझक में पौधा लगा हुआ है। थोड़ी शाम हो गई है लेकिन कोई चिंता नहीं है। कचरा मल्चिंग वगैरह जो डाली हुई थी पूरी ख़त्म हो गई है। काफ़ी सारे प्लॉट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे आपको सुजालपुर में 5x9। राम राम भैया, आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर है ये? हम सुजालपुर गांव में है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरा नाम है भगवान देवीदास पटेल। ये कितने बाय कितने पे लगा? 9x5 लगा ले। 5x9 झिकझैक में? झिकझैक में। अच्छा, कब लगा हुआ है ये पौधा? 5 जून को। 5 जून 2021। ओके, फ्लावरिंग अभी पूरी यानी 100% हो गई। 100% फ्लावरिंग हो गई है। 5x9 का जो ग्राफ आपने समझा है, तो इसके साथ में कुछ प्लॉट लगे हुए हैं जो कम ग्राफ के लगे हुए हैं? नहीं, इनका पूरा वही है। वही। अच्छा, 5x9 पे ही लगा हुआ है तो पूरा फ्लावरिंग हो गया है। पूरा इसमें अभी बंच मैनेजमेंट वगैरह आप कैसे कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे अगर बताएं। जैसे ये सामने वाला जो बंच है, इसमें बंच मैनेजमेंट की जो रेसिपी है ना, वो थोड़ा समझ लीजिए कि तने की मोटाई नापना है। इसकी तने की मोटाई नापी है तो कितना है? तीस इंच का तना है, तो इसको 4 से भाग देना है। 8×7=28 है ना, तो 7 पंजे इसमें रख सकते हो या 8 पंजे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये 9वां पंजा है, ये 10वां पंजा है, तो यहाँ से इसको निकाल देना है ना। इसको भी निकाल दीजिए। ओके, 8, 7, 8 पंजे रखने हैं आपको, है ना। और इसके ऊपर स्प्रे वगैरह कुछ लिया हुआ है? कौन सा? ये आइकॉन के आइडल। अच्छा, आइडल का स्प्रे किया हुआ है। और पीसीएम स्प्रे, PMS। ओके, और अपना जो है कॉन्फिडर से कितने कॉन्फिडर का भी किया हुआ है। अब अभी इसमें करो क्या, VM स्प्रे की रेसिपी इसमें यूज करो, मट्टी और वाइसोनमिटा। 200 लीटर पानी में 30 किलो मट्टी लेना है। मट्टी ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पे कई सालों से खेड़खाड़ नहीं हुई है ना। आप उन्हें शायद किया हुआ है यहाँ पे, आप चना वगैरह कोई भी फसल पे इसका स्प्रे कर ले सकते हो। 200 लीटर पानी में 25 से 30 किलो मिट्टी लेना है और 200 ग्राम वाइसोनमिटा, उसको रखना है 2 से 3 दिन भिगो कर, और तीसरे दिन कपड़े से छान कर फिर उसका इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। बराबर, ये 2 से 3 बार करो। और अभी ये ठंडी जो आई थी 20 से 25 दिन पहले, इसमें 2-4 चीज़ें अगर आप करते ना, जैसे बंच मैनेजमेंट करके उसमें थोड़ा पन्नी लगाना, तो चिलिंग की समस्या आपके केले में नहीं आती शायद। अभी जो ये यहाँ पे बंच ये टूटा ना, तो यहाँ से पानी टप 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 गिरना चाहिए था। अभी इससे समझ में क्या आ रहा है कि पानी अगर नहीं गिर रहा है तो ऊपर की इसकी जो बॉडी है ये ठंडी के कारण सूख गई है ना। मतलब इसमें चिलिंग आ गई है। नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ तो चिलिंग आ गई है। तो चिलिंग जब केले में आ जाती है तो
वही समस्या है कि किसान जो परेशान है कि हमें रेट नहीं मिल रहा है, या फिर मैंने तो इतना अच्छा बंच बनाया है, ऊपर के पत्ते भी हरे हैं, बराबर। अभी समस्या क्या है लोगों के पास आज की डेट में माल कटिंग के लिए, कि ऊपर में पत्ते नहीं है, करपा सिगाटोका है, तो केला जल्दी पक रहा है। अभी आज के 3 महीने बाद माल कटिंग के लिए जब व्यापारी आएगा तब क्या समस्या रहेगी? चिलिंग। तो देखिए, अगर हमने व्यापारियों को सपोर्ट किया क्या, कि उनको जो माल चाहिए वो अगर हमने बनाकर दिया तो वो 2 पैसे देने के लिए तैयार है। जैसे नंदुरबार शहादा और पूरा ताप्ती बेल्ट में पकड़ो, जैसे कामरेज से लेकर पूरा बुरहानपुर तक, हर किसान को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अपने यहाँ पे व्यापारी कब कब आते हैं और कब कब नहीं आते हैं। जैसे यहाँ से उठ के चले जाते हैं आंध्रा, तो आंध्रा में तो उनको ज़्यादा ही पैसा देना है ना। अगर दिल्ली लोडिंग हो रही है तो दिल्ली यहाँ से पास है कि आंध्रा से पास है? यहाँ से पास है, लेकिन वो आंध्रा में जाते क्यों है कि 1200 किलोमीटर? तो आंध्रा में जाते क्यों है कि आंध्रा में चिलिंग नहीं आती है, मतलब वहाँ पे ठंडी नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पे चिलिंग ना आए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जब जब ठंडी आएगी तब तब नीचे पानी ज़्यादा चलाना पड़ेगा और इसको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। जैसे आप सभी के पास में अगर देखो कि आज ठंडी ज़्यादा है तो हर किसी के पास टोपी पहनी हुई है, स्वेटर हमने पहना है। अगर यही चीज़ हमने आज नहीं की तो इसके विपरीत परिणाम 3 दिन के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि इसका क्या विपरीत परिणाम हुआ है। मतलब सर्दी खांसी जुकाम, ये चीज़ें हमें भी और हमारी त्वचा भी ड्राई हो जाएगी। तो उसी तरह से केले में भी हमें समझना है। हमारे पास तो मैं तो बोलूँ 5x9 में नीचे तक के पत्ते में भी धब्बा नहीं मिलेगा, करपा सिगाटोका का धब्बा नहीं मिलेगा। ये भी आपने निकाला है ना, नीचे तक पूरी हरियाली है, लेकिन क्या हमने हमारे फ्रूट को चिलिंग से बचाया है? तो उसका जवाब आएगा नहीं। तो फिर हमें जो अपेक्षित रेट है, जैसे ठीक है कि क्रश रहेगा, माल नहीं रहेगा तो हमें 2 पैसे वो देंगे, लेकिन हमें 2 पैसे से प्लस में पैसे कैसे मिले, बराबर? तो उसके लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो चिलिंग इंजरी के लिए आज तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि जब जब ठंडी आएगी, और हम लोग अगर इतने बड़े ग्राफ पे हम लोग जा रहे हैं, तो आज की डेट में एक बेबी हमने यहाँ पे छोड़ देना था। बी किसान की थीम को अगर आपने समझा है पूरा 100, तो 5x9 ये ग्राफ इसलिए है कि आज की डेट में अगर इसका ये फ्लावरिंग आया है तो इसके साइड में आपके कमर तक का बेबी साइड से दिखना चाहिए। यहाँ पे जो ये बेबी है ना, ये कमर तक दिखना चाहिए, मतलब ये कटिंग होना ही नहीं चाहिए, ये यहाँ तक चाहिए था। मतलब जैसे ये फ्रूट कटेगा ये भागेगा, फिर अगले जब ये कटेगा तब इसका बेबी रखेंगे। तो 5x9 ग्राफ उसके लिए ही है कि हर बार, हर 8 महीने में, हर 7 महीने में हमारी कटिंग कैसे आए, है ना। इसीलिए आपने कब लगाया ये पौधा? 5 जून। आज की डेट में फ्लावरिंग, मेरे हिसाब से फ्लावर आते 1 से 1.5 महीने पहले से फ्लावरिंग चालू हो गई है, क्योंकि फ्लावरी मुझे बता रहा है कि इस फ्लावर को अभी 1.5 महीना हो गया और 1.5 महीने बाद ये कटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब 3 महीने में फ्लावर कट के चला जाता है। थोड़ी ठंडी है इसके लिए 10 दिन हमारे बढ़ सकते हैं, वो 100 दिन ले सकता है, बराबर। तो इस समय में 5x9 में हमारे पास बेबी खड़ा चाहिए, तो 5x9 लगाना ठीक है और रेवा प्लस लगाना ठीक है। 100 गाइडलाइन फॉलो करो तो आपको मज़ा आएगा। जैसे हमने बोला है कि 90 से 100 दिन के बाद 5x9 पे अगर जाते हो, पूरा बी किसान 100 फॉलो करते हो, तो 90 से 100 दिन के बाद इसमें इस पील जो आता है, ये पील पहले से ही आए हुए है। ये जो हम नंबर ऑफ बेबी गिन रहे हैं ना, इसको अगर किल करके इसमें यूरिया या अमोनियम सल्फेट अगर डाल देते हो, तो पौधे की तने की मोटाई आपको इससे 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगी। मतलब तब वो अपना खाना उसमें नीचे से ज़्यादा लेगा और डिवाइडेशन कम होगा, उसकी वजह से यील्ड भी आपको हाई मिलेगी, बराबर। तो वो समय सिचुएशन आपको वो समझना पड़ेगा। थोड़े थोड़े एरर है, बराबर, तो उसको रिपेयर कर लो अगली बार से, क्योंकि ये ग्राफ लगाया तो अभी तो 5 साल तक या 10 साल तक यहाँ से केला निकालना ही नहीं है, भले हमें 4 रुपया रेट मिले, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आपने 0 कर ली ना, तो फिर आपको रेट के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट तो अपने हाथ में है ही नहीं। वो तो व्यापार और वो बाहर की परिस्थिति है, उसको हम सुधार नहीं सकते, बराबर। बाकी करपा सिगाटोका मतलब है ही नहीं यहाँ पे, और केला लगता है यहाँ पे काफी सारा, है ना, केला लगा हुआ है।
ये दो चार चीजें रिपेयर कर लीजिए और मेरे से हर बार बात करते रहिए, है ना। तो इस गांव में से जो निचोड़ निकल के आएगा, जैसे मदन पाटिल जी हैं, गोविंद पाटिल जी हैं, इन्होंने पहली बार पिछले साल कुछ काम किया, तो हर किसान का फ़ोन आना चाहिए कि भैया मैंने ये किया है, या फिर वीडियो तो भी डाल देनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं तो मैं इसमें आगे क्या करूँ, बस इतना करो तो हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू।